आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था। मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया, मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रख कर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और, ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं? ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी।
मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है, उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है। अरे ये कैसा जादू हो रहा है, मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा। अजीब जादू हो रहा है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, पर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया। सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकाल पाता। अंत में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उस मटके को जोर से पटक देता है। उसके पटकते ही वो मटका चूर चूर हो जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंच जाती है। अरे सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। वो बहुत ही चोटिल और जख्मी होती है। मालती उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देवी मालती को सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा हुआ है। मालती सारी बातें समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही देवी को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और देवी का सीधा संबंध है। वो उस मटके को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर उसे जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि देवी के भी जख्म ठीक हो रहे होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद, आप कौन है माता, आप कोई साधारण बालिका तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का स्वरूप हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर कृपा बरसाती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ध्यान रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुन लेती है और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहाँ पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान रखा होता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बना लेती है और खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जीवन भर परोपकार का काम करती है। छल कपट से सुरेश उसको चुराना चाहता था, इसीलिए उसके साथ छलावा हो गया। सुरेश को भी इस बात का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब वो मटका सुरेश को देकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। सुरेश भी हमेशा उस मटके का सदुपयोग करता है।